आप ये बताइए, आपका बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल रहा है, आप शुरू से आरएसएस और भाजपा में काम कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं, तो इन पिछले 10-15 सालों से इस वार्ड की स्थिति क्या है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और आप लोग मिलके कुछ यहाँ की जो समस्याएं हैं और लोगों की जो आप क्या सोचा है इसकी। नमस्कार दोस्तों, हमारी टीम डिजिटल भारत शुद्ध लोकल की टीम सुबह से आज फील्ड में घूम रही है। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7, वीर सावरकर वार्ड, पूजा श्रीराम पटेल क्या, और हमारे साथ बैठे हैं श्रीमती पूजा श्रीराम पटेल और स्वयं श्री श्रीराम पटेल। आप दोनों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बताइए, आपका बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल रहा है, आप शुरू से आरएसएस और भाजपा में काम कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं? लगभग बाल्यकाल से ही मैं संत पृष्ठभूमि से हूँ जी। मेरा परिवार, मेरे पिताजी भी संत से थे, पिताजी भी संत से थे, पिताजी भी संत से थे, ठीक है जी। और हमारे घर के ही पास संघ का उस समय एकत्रीकरण हुआ करता था जी, तो देख करके ही प्रेरणा मिली, पिताजी के द्वारा भी मिली, ठीक है। तो घर का माहौल ही वैसा होता, घर का माहौल ही उसी तरीके का था जी। 93 में संघ पर प्रतिबंध था, उस समय व्यक्तित्व विकास शिविर करके पनागर में लगन लगा था, तो मैंने प्राथमिक 93 में ही किया था, ठीक है। उसके बाद पार्टी ने भरोसा दिलाते हुए मेरे पिताजी को भाजपा से इसी वार्ड क्रमांक 7 वीर सावरकर वार्ड से प्रत्याशी बनाया था, ठीक है। चुनाव परिणाम ठीक नहीं रहा, आज भारतीय जनता पार्टी ने 30 वर्षों बाद मेरे परिवार पर पुनः विश्वास जताया है और मुझे वीर सावरकर वार्ड से भाजपा के रूप में प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले आप कभी चुनाव में नहीं उतरे हैं? नहीं, इसके पहले मैं कभी चुनाव में नहीं उतरा हूँ। और आप सामाजिक कार्यों में तो जुड़े ही होंगे, सामाजिक कार्यों, संघ के कार्यों में जुड़े होंगे, पार्टी के कार्यों में जुड़े होंगे, ठीक है जी। तो इन पिछले 10-15 सालों से इस वार्ड की स्थिति क्या है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? विगत अगर हम 10 वर्षों की बात करें जी, तो विगत 10 वर्ष में इस वार्ड के जो माननीय पार्षद कांग्रेसी पार्षद थे, जिन्होंने की वार्ड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा इस वार्ड की जो बहुत ही जटिल समस्या है जल प्रॉब्लम की, हाँ मानते हैं ये समस्या बड़ी विकट है, समय लगता है, इसके लिए बजट भी ज्यादा चाहिए, लेकिन इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है कि ये हल ना हो पाए। अगर व्यक्ति में तत्परता हो, कर्मठता हो, तो ये समस्या 2-4 साल 5 साल में ठीक हो सकती थी। थोड़ी जोड़ और थोड़ा तोड़फोड़ की जरूरत है इस पूरे विषय में। और अच्छी बात ये थी कि इस वार्ड में हमारे कांग्रेस पार्षद थे 10 साल से हैं, और 10 वर्षों से इस क्षेत्र के माननीय विधायक भी माननीय कांग्रेस से हैं, तो एक पार्षद और एक विधायक का अगर मिला जुला और कर्मठता लगनशीलता रहती, तो इस मूलभूत समस्या जो जल प्लावन की है, यह संभवतः ठीक हो जाती, लेकिन कारणवश, निष्क्रियतावश ये समस्या एक समस्या तो जल प्लावन है, बहुत ही गंभीर समस्या है। अगली, फिर यहाँ की रोड, यहाँ की नालियाँ, लगभग 10 वर्षों से छोटे मोटे कार्य जरूर हुए हैं, लेकिन इस वार्ड में मुख्यतः नई सड़क, नई नालियाँ, नियमित सफाई, ये सब ठप पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, ठीक है। हम जब संपर्क में निकलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो सभी लोगों द्वारा ये समस्या मेरे को बताई जा रही है, ठीक है, हम उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको भरोसा दिला रहे हैं कि अगर मुझे आपने सहयोग दिया और उचित जगह में पहुंचा, तो आपकी समस्याओं को विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण करने की और हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं से निजात दिला सकूंगा आपको, ठीक है। पूजा जी, इन समस्याओं से तो आप परिचित होंगी, सुन रही होंगी, काफी टाइम से सुन रही होंगी। मैं भी जन संपर्क में निकलती हूँ, मुझे भी बहुत सी लेडीज हैं, उनकी मुख्य समस्या तो जन प्लावन तो है ही, जिनके घर का बहुत ही नुकसान होता है। एक लेडीज तिनका तिनका जोड़ के अपनी गृहस्थी बनाती है और बस बरसात आते ही उनका पूरा बिखर जाता है घर। मैंने बहुत से घरों में सर्वे किया, गए उनके पास, उन्होंने बोला मेरे 100-100 क्विंटल गेहूँ खराब हो गए, तो उन्होंने बोला जब अभी हमने स्टोर किया और बरसात 1 घंटे के पानी में पूरा गेहूं खराब हो गया, तब हम पूरा साल कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो ये समस्या बहुत जटिल है और
हम लोग गंभीर रूप में इसका निवारण और हम लोग एक संरचना बना के रखी है। अगर जनता का आशीर्वाद रहा और भरोसा रहा तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस समस्या का समाधान है और हम ईमानदारी से उस समस्या का निदान करेंगे। बहुत बढ़िया। और क्या सोचा आपने? एक जल प्लावन की बात है, महिलाओं के लिए आपने कुछ? महिलाओं के लिए सबसे प्रमुख तो जल प्लावन है, फिर उसके बाद राशन कार्ड। राशन कार्ड से उन लोगों की आजकल सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है कि सरकारी स्कूलों में राशन कार्ड से फीस में थोड़ी सी राहत मिलती है। अच्छा। तो बहुत सी लेडीजों के राशन कार्ड नहीं है, फिर उसके बाद अपन प्राथमिकता राशन कार्ड को भी देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि छोटे छोटे से गृह उद्योग, जो एक मोहल्ले की, जैसे मोहल्ले में घर में चार पांच लेडीजों को इकट्ठा करके उनको एक उनकी समिति बना दिया कि आप किस कार्य में कुशल हैं। जैसे लेडीजें अचार, करी, पापड़ बनाती है, तो अपन एक छोटे छोटे गृह उद्योग करके उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में सप्लाई करके, ताकि उनकी भी जीविका चलते रहे। आज का जमाना इतना महंगाई का है कि एक जन के कमाने से नहीं पूरा नहीं होता। तो घर में अगर हर सदस्य थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा तो उनका जीवन भी सुधर सकता है। पूजा जी रोजगार के हिसाब से बात कर रही है अपने वार्ड से, श्री राम जी जो है जल प्लावन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और आप लोग मिलके कुछ यहाँ की जो समस्याएं हैं और लोगों की, जो आप क्या सोचा है इसके लिए? मुख्य तौर पे मैंने ये सोचा है, परिणाम के बाद ये वार्ड बहुत ही बड़ा वार्ड है। कितने वोटर्स हैं? लगभग 12,335 करीब। काफी वोटर्स हैं। क्षेत्र बड़ा है। मेरा जो एक ही मोहल्ले वाइज लगभग 300-400-500-250 घर इकट्ठे करके एक एक मोहल्ला समिति बनाई जाए। ठीक है। वो मोहल्ला समिति अपने ही अपने एरिया को संभालेगी, अपने एरिया को संभाले और अपने एरिया से एक प्रमुख, दो प्रमुख आदमी चुन ले कि कोई भी समस्या हो उनको जो उनसे ना निपटे वो फिर आपके पास, वो फिर आपके पास आए और सब जो समस्या जो भी रहती है उसका निराकरण भी उन्हीं लोगों के द्वारा, हमेशा समस्या का निराकरण भी उसी जगह पे वहीं होता है जितना संभव हो, जितना संभव हो। तो पूरे वीर सावरकर, आप उनको थोड़ा अधिकार भी देंगे कि आप करिए, मेरी तरफ से करिए, आपको छूट हर चीज मेरे पास लेके आने की जरूरत नहीं है। मतलब आप खुद ही अपने क्षेत्र का विकास कैसे करना है उनको पूरी, मतलब प्रतिनिधि रहेंगे वो हमारे। ये दोनों प्रोग्राम तो आप लोगों ने मिलकर ही बनाया होगा ना, कैसे काम करेंगे? पूजा जी, तो खेल के लिए, बच्चों के लिए कुछ है आपके दिमाग? बहुत सी लेडीजों ने कंप्लेन किया है कि उनके क्षेत्र में प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चे घर में घुसे रहते हैं, बस मोबाइल, उनके लिए प्लेग्राउंड चाहिए है। ठीक है। और बच्चे खेल सके, साइकिलिंग कर सके, मतलब आजकल के दौर पे बच्चे लोग बस घर में रहते हैं, स्कूल से पढ़ के आए, बस मोबाइल, क्योंकि उनके क्षेत्र में प्लेग्राउंड नहीं है, गार्डन नहीं है, बड़े बुजुर्गों को टहलने के लिए बाहर बैठ के, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत बड़ा हो गया। आईपीएल देख लीजिए, इतना बड़ा हो गया, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा वो हो गया। आप लोग अपने वोटर को कुछ मैसेज अगर देना चाहें? मैंने आज दो मीटिंग अटेंड की जिसमें जनता ने ही कहा था कि नेता को सीट मिलने के बाद वो जनता को भूल जाती है, तो मैं जनता से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि मैं नेता बन के काम करने नहीं आई हूँ, मैं एक समाज सेवी के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्ड एक स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आए। आने वाले 6 तारीख को मैं समस्त वीर सावरकर वार्ड की जनता से अनुरोध करूंगा, एक बार मुझे सेवा का मौका दें, आपकी सेवा कार्य, आपके कार्य और अपनी सेवा में खरा उतरूंगा, इतना विश्वास से मैं बोल रहा हूँ। वोट सोच समझ कर दें, चुनाव का दिन नजदीक आ गया है, समय बहुत कम है, अच्छे से विचार कर लें, अपना कैंडिडेट चुने और शहर को आगे बढ़ाए। जय जबलपुर।